नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल फैंटेसी क्रिकेट प्रिडिक्शन में। दोस्तों अभी मैं आपको दूंगा साउथ अफ्रीका वुमेन और बांग्लादेश वुमेन का जो सेकंड ODI होगा, अभी से 29 घंटे बाद यानी कि कल 12 बजे से स्टार्ट होगा। तो मैं उसकी टीम आपको अभी प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। तो उसमें भी क्या है कि लास्ट रिजल्ट मैंने आपको बता ही दिया था कि मेरा जो लास्ट मैच है अच्छा गया था, ठीक है। लगभग जो प्रोबेबल 11 जो मैंने खिलाई थी अच्छी, मतलब उसने वर्क किया था, ठीक है। लास्ट मेरा जो मैंने लगाया था, दोनों टीम मेरी अच्छा मतलब पॉइंट गेन की थी, जिसने भी टीम लगाई होगी जीता होगा। अभी का मैं आपको बता देता हूँ जो मैच होगा कल, जो आपको बताता हूँ, ठीक है। इसमें मैंने सिर्फ दो टीम बनाई होगी स्मॉल लीग में, आप कोई भी टीम इसमें लगा सकते हो जो भी आपको चाहिए। बट मैं आपको पहले प्लेइंग 11 दिखा देता हूँ उसकी। इसकी प्लेइंग 11 मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगी। ली खेलेगी, लॉरा वॉलराथ खेलेगी, त्रिशा चैटी खेलेगी, विकॉन टू प्रीच 100%, ठीक है। डैन नैकरिक तो पक्का, ये तो कैप्टन ही है खैर, ठीक है। ट्रेवन खेलेगी, काप खेलेगी, इस्मेल खाका, क्लास का मुझे डाउट है, एंड नोजे पक्का खेलेगी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर आपको यह है, इस बॉलर को आप लेना मत, क्योंकि मुझे इसका थोड़ा डाउट है, ठीक है दोस्तों। इसकी जगह ये अफ्रीका वाले या तो इसको मौका दे सकते हैं, सनी लूज को, क्योंकि सेन को, ठीक है, ये अच्छा मतलब वो स्पिनर है, ठीक है, तो अच्छी स्पिनर है, तो ये शायद आ सकती है टीम में, ओके। और इसके चांस मुझे 20% लगते हैं, तो स्टेन के, तो स्टेन को आप लेना मत इसकी जगह, मतलब ये आपको रिस्की ऑप्शन होगा, ठीक है। उत्तर क्लास ये रिस्की ऑप्शन है, तो इसको आप लेना मत। बांग्लादेश वुमेन में ज़्यादातर मुझे कोई चेंज की वो तो लग नहीं रही है, ठीक है। या तो अगर इसमें अगर चेंज होगा तो एक चेंज ये हो सकता है, ये जो ओपनर है इनका, ठीक है, मुर्शिदा खातून, ये थोड़ा रिस्की रहेगी, ठीक है। बाकी तो सबने अच्छा यहाँ पे पिछले मैच में अच्छा किया था, ठीक है। तो ये तो खातून की जगह, या तो फिर किसी ऊपर इसको मौका मिल सकता है, खरदूस को मौका मिल सकता है, जनातुल खरदूस को मौका मिल सकता है, या सूर्या अजीम को मौका मिल सकता है, या फिर सेमियाना सुल्ताना, मतलब इसमें डाउट है। आप सेफ टीम करना जो मैंने बनाई है लगभग उस टाइप से ही, और जो पिछले मैच में चले हैं ना जो भी प्लेयर, तो उनमें से आप कोई सिलेक्ट कर लेना। कोई ज़्यादा देखो इन मैचों का क्या होता है कि कोई आपको न्यूज़ कोई रिपोर्ट मिल नहीं पाती है इतनी आसानी से, हमें पता नहीं चल पाता कि कौन खेल रहा कौन, क्योंकि ये तो वुमेन क्रिकेट है, और इसकी न्यूज़ ढूंढ पाना तो मतलब समझ लो आप भूसे के ढेर से हमें सुई ढूंढने जैसा है, ठीक है। तो इसकी न्यूज़ आपको नहीं मिल पाएगी ज़्यादा कि आप, और सेम मतलब वेन्यू इसके साथ जो है कि लगभग सेम ही रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ इसका वेन्यू कहाँ पर होगा, नहीं वेन्यू थोड़ा चेंज है, चेंज सेकेंड ODI, वेन्यू भी सेम है, ठीक है। तो पिच की रिपोर्ट भी आप समझ लो कि सेम पिच रहेगी, ठीक है, जो ये है यहाँ पर जहाँ पर पिछला मैच हुआ था, ठीक है, तो उस टाइप से ही रहेगा, ठीक है। वेन्यू भी आपका सेम है, तो आपको इसमें ज़्यादा पिच रिपोर्ट की सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन सा कैसे खेलेगी, पिच क्या खेलेगी, इसको आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। आपको इसे लिए चलता दोस्तों मैंने जो टीम बनाई है, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, जो टीम मैंने बनाई मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये मेरी टीम है सेम, ठीक है, जो यहाँ पर साउथ अफ्रीका की कैप्टन है डिवान नैकरिक, तो वो मेरी फिर से कैप्टन ही रहेगी, और जो ली है मेरी वाइस कैप्टन रहेगी, वॉलराथ, एम डुप्रीज एंड चैटी, ठीक है। और ये फराना हक को आप पक्का खिलाओ, क्योंकि पिछले मैच में देखो आपने अच्छा, इसने अच्छा खेला, 65 रन किए थे, और उससे पहले प्रैक्टिस मैच में भी इसने अच्छा किया था। ऐसे इस्लाम को आप खिलाओ, इसने भी अच्छा किया था, अच्छा कुछ रन कंट्रीब्यूट किया था ऊपर। रुमाना अहमद ये तो बहुत ही सुपर प्लेयर है बांग्लादेश की, पर पिछले मैच में चली नहीं, सिर्फ एक विकेट लिया था, रन मारे नहीं इसने, ठीक है। एंड खातून को आप खिला सकते हो नोजे एंड इस्मेल, ठीक है, तो इसमें आप क्लास। तो अगर आप सेकंड टीम के साथ जाना चाहो तो आप इस सेकंड टीम के साथ जा सकते हो। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हल्का फुल्का चेंजेस किया है, इस्माइल को हटा दिया है, ठीक है, बांग्लादेश की एक और बॉलर मैंने यहाँ पर लगा दी है, बाकी आप इस टीम के साथ भी वर्क कर सकते हो, ठीक है, जैसे आपको लगे। तो दो मेरी सेफ टीम है, तो आप इन दोनों के साथ उतर सकते हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।